हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली, देखो अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बड़ी जल्दी से रिंकल्स आ जा रहे हैं चेहरे पे, जो दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशंस हैं, जो डार्क पहले की पिगमेंटेशंस हैं, जिनको झाइयां भी बोलते हैं, झाइयां हो जाती हैं, या फिर जो ये लाइंस आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं ना यहाँ लिप्स एरिया के पास, आईज के नीचे, यहाँ बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम तब भी आती है जब आप वेट लूज करते हो ना, काफी ज्यादा वेट गेन कर चुके हो, जैसे मैंने बहुत ज्यादा गेन किया हुआ है अभी, और सच बताऊं तो रिंकल्स में सोच रही हूँ कम, मुझे मैं हो ही नहीं पा रही हूँ कम। तो देखो होता क्या है, रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम को मैं पूरा जड़ से दूर करने के लिए एक ऐसा नुस्खा लाई हूँ, अब उसको करके दिखाऊंगी तभी आप समझ पाओगे। देखो रिंकल्स कोई ऐसी चीज नहीं, एज के साथ साथ आ ही जाती है, और सच बताऊं आजकल तो अगर वेट लूज करते हो तो भी आपको रिंकल्स आ ही जाती हैं। वो पतली पतली सी फाइन लाइंस टाइप की होती है ना, वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। आप कितना भी उसको मेकअप से हाइड करने की कोशिश करो, रिंकल्स को आप हाइड नहीं कर सकते, वो प्रॉपर वो दिखती है। तो मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इनको जड़ से दूर करने के लिए क्या करना है, रेगुलर करना है, कब करना है, कैसे करना है, मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पैक है, मैं पैक भी बनाऊंगी, कैसे नहीं बताऊंगी, पहले पूरा दिखाऊंगी फिर बताऊंगी आपको। रिंकल्स इतना घबराने वाली बात नहीं है। देखो रिंकल्स क्या होते हैं, जब आपकी आईज आप स्माइल करते हो, जिनको रिंकल्स होते हैं ना, ऐसे लाइनिंग्स यहाँ आ जाती है, जिनको रिंकल्स होते हैं यहाँ लाइनिंग आती है, यहाँ सबसे ज्यादा आती है, तो वो प्रॉब्लम्स को दूर करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे आप। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मेरा फेस, ये मॉर्निंग का टाइम है जब मुझे लगाना था, तो आप देख लो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन किया हुआ है। एंड इसके बाद मैंने ज़्यादा चीज़ें जो रखी हैं सब तो नहीं दिखा पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी। मैंने दही ली है और उसके बाद हल्दी ली है, हल्दी के बाद दो तीन आइटम्स और हैं, दिखाऊंगी जब वीडियो बनाऊंगी दिखाऊंगी। और ये रहे मेरे बाल, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये रही खाली कटोरी, खाली बॉल में मुझे लेना है सबसे पहले ये टिश्यू है, ये टिश्यू आता है, ये पेपर की तरह नहीं होता है, फटता नहीं है, ये मैंने किचन रोल के लिए मंगाया था, बट अब मुझे लगता है इसकी नीड मुझे होती है, तो मैं एक अपने पास रखती हूँ वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो ये इसमें सबसे पहले कटोरी के ऊपर टिश्यू को रखा, उसमें दही डाला, मुझे चाहिए इसमें दही का पानी, जो ये रिंकल्स वगैरह आते हैं ना या फेस पे जो ब्राइटनेस कम हो जाती है ना, उसके लिए वरदान है ये। ये जो दही का पानी है इसको मैंने एक तरीके से छान लिया, आप चाहो तो नॉर्मल हैंकी वगैरह से भी प्रोसेस कर सकते हो। तो मैंने ये पानी को अलग किया और आप देखो कितने अच्छे से, मैं बीच बीच में देख लेती हूँ यार फोन मुझे देख रहा है कि नहीं। अब दही का पानी जो अलग हो गया है, इसको मैं सिर्फ, मुझे इस पानी का काम है, पानी में मैं दही के पानी में, मैं इसलिए अच्छे से बता दूं, दही का पानी, पानी नहीं, दही के पानी में मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, एज अ टोनर इसको लगाऊंगी, अच्छे से अपने फेस को प्रेप करूंगी फेस पैक वगैरह के लिए। तो मैंने ये इसमें दही का पानी मिक्स कर लिया, इसके बाद अपने हाथों पे लिया, हाथ पे लेके बहुत अच्छे से, कुछ भी देखो मैं दिखा दूँ, बहुत अच्छे से बन गया पानी, मतलब जो भी लिक्विड बनना था बहुत अच्छे से मिक्स करके बन गया। एंड इसके बाद इसको अपने हाथों पे लूँगी, हाथ पे लेने के बाद अपने पूरे फेस पे, नेक तक, मेरी टी शर्ट थोड़ी सी छोटी थी इसलिए मैंने गले तक नहीं लगाया, क्योंकि लग जाता फिर वो धुलते नहीं, क्योंकि नहाना भी था नहीं। एंड इसके बाद फिर मैंने इसको लगा लिया, लगाने के बाद दूसरी बार लेकर मैं एज अ सेकेंड स्टेप कह सकते हो या सेकेंड लेयर कह सकते हो, मैंने इस पे फेस पे खूब अच्छे से इसको डैब डैब करके ड्राई करने के लिए रख दिया। और जब तक ये ड्राई होगा, अच्छे से ड्राई करना है, जब तक ये ड्राई होगा मुझे और कुछ काम करना है, पहले मैं आईज के नीचे जो डार्क सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों के लिए अच्छे से फेस पे लगा लिया, आईज के नीचे लगा लिया। एंड इसके बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं अपना हैंड वॉश करूँगी, हैंड वॉश करने से पहले मेरा फ़ोन ना थोड़ा सा मैंने तिरछा रखा हुआ था, अब मैं अपने फ़ोन को थोड़ा सा ठीक से रखूँगी और इसके बाद मैं सेकेंड स्टेप स्टार्ट करूँगी। सेकेंड स्टेप ट्राई बनाने के करने के लिए सबसे पहले मुझे लेनी है एक खाली कटोरी, खाली कटोरी में आपको लेना है दही, उसके बाद जो दही पानी वाली थी वही दही लेना है, उसके बाद उसमें लेना है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर बहुत तरीके से काम करता है, जो कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, तो सोचते सिर्फ इसको विंटर्स में नहीं समर्स में यूज़ करना चाहिए, बट सैंडलवुड पाउडर पहले मैं सब डाल लूँ फिर बताती हूँ इसको, सारा मैं बताऊँगी, वीडियो को पूरा डिटेल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने सारा कुछ बता रखा है। अब मैं इसमें सैंडलवुड पाउडर सिर्फ और सिर्फ एक टेबल स्पून डालूंगी, उसके बाद इसमें रोज़ पेटल्स, जो रोज़ के वो होते हैं ना, पत्तियाँ होती हैं, फेस के लिए कितनी अच्छी होती हैं आपको पता भी नहीं यार, मैंने उसको डाला। अब इसको डालने के बाद वो भी वन स्पून के आसपास ही डाला है, उसके बाद दही के साथ इसका और कुछ भी नहीं मिलाना है, खूब प्यारा सा अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ DIY फेस पैक बनाते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब फेस पैक लगाते हैं
तो लम्स डिस्टर्ब भी करते हैं और एक ही जगह एक ही वो पूरा प्रोडक्ट लग जाता है जो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने पूरा आपको दिखा दिया। अब ये पूरा अच्छे से सिर्फ लम्स नहीं होने चाहिए और फेस पैक उतना ही ठीक होना चाहिए जितना आपके फेस पे बहुत अच्छे से लग जाए। तो मेरा पूरा फेस पैक अब रेडी है लगाने के लिए। अब मैं फेस पैक को नीचे रख दूँ और उसके बाद लगाना स्टार्ट करूँ। पहले आप एक बार बहुत पास से देख लो। अब इसके बाद मेरा फेस पैक जो आपने हल्दी लगा रखी थी, हल्दी और दही वाला पानी, वो आपको इसके उसको क्लीन नहीं करना है, वो ऐसे ही रहने दो। इसके बाद फिर मैंने अपने बालों को थोड़ा सा बांध दिया क्योंकि फेस पैक वगैरह के टाइम पे बाल बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद मैं फटाफट से अब जल्दी जल्दी फेस पैक लगाऊंगी। मैंने फेस पैक लगा लिया, पूरे फेस पे लगाऊंगी। अब देखो आप, इसमें मुल्तानी मिट्टी है जो कि आपके इसमें सैंडलवुड पाउडर है। आप चाहो तो उसकी जगह मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हो, लेकिन अगर सैंडलवुड डालोगे तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके फेस पे जो भी डार्कनेस होती है, जो भी सैंडलवुड जो आपके फेस को थोड़ा सा ब्राइट करता है, आपकी स्किन जो होती है ना फेस की, उसको थोड़ा टाइट करता है। क्योंकि आपका फेस क्या है, रिंकल्स का मतलब जहाँ पे ढीलापन होता है, तो सैंडलवुड जो होता है वो आपके फेस की जो रिंकल्स होती है उनको आने नहीं देता है। जो ढीली ढीली सी स्किन हो जाती है उनको टाइट करता है और जो आपका कलर होता है उसको बहुत ब्राइट करता है। एंड रोज पेटल्स हैं तो गुलाब की पत्तियाँ हैं, गुलाब की मैं क्या ही तारीफ करूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं, बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि गुलाब आपके फेस के लिए एक वरदान की तरह है भाई, बहुत अच्छा होता है। हम लोग रोज वाटर भी यूज करते हैं। एंड इसमें जो गुलाब की पत्तियां हैं, गुलाब की पत्तियां आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखती हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग मॉइस्चराइजर लेते हैं तो रोज पेटल्स वगैरह उसमें हो ऐसा लेते हैं, तो आपके फेस को बहुत अच्छा मॉइस्चर देते हैं और आपका फेस बहुत अच्छा ब्राइट रखता है, बहुत अच्छा हाइड्रेट रखता है। एंड इसमें दही है, दही के भी गुण आपको पता ही है, दही में कितने बेनिफिट्स होते हैं। वैसे मैं दही एज अ ब्लीच यूज हूं और नेचुरल मॉइस्चर के लिए यूज करती हूं क्योंकि मुझे लगता है इससे अच्छा मॉइस्चर, कुछ लोगों को मलाई नहीं सूट करती, जिनको मलाई नहीं सूट करता हो, दूध नहीं सूट करता हो, वो दही लगाएंगे उनको सूट करेगा, बस इसलिए मैंने लगाया। ये सब मिला के अब ये सब एक साथ काम करेंगे। अब इसको मैं 10 से 20 मिनट लगा के थोड़ा सा आराम करूंगी फैन के नीचे। और ये मैंने लगा लिया है फेस पे बिल्कुल। अब फेस ड्राई तो नहीं हुआ है, ड्राई हो जाएगा तो एकदम वैसा हो जाएगा। मुझे जाना था डॉक्टर के पास इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी वॉश कर लिया। और ये मैंने लगा लिया, आप देख लो, मैंने सिर्फ अभी तक मेरा हुलिया वैसा ही है, पानी भी गिर रहा है फेस से। एक बार लगाने पर अगर कोई चीज इतनी अच्छी बेनिफिट दे सकता है, इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, तो अब जब आप कई बार लगाओगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरी तरफ से बहुत अच्छा फेस पैक है। रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हो पिगमेंटेशन से तो ये यूज करो। तो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। वीडियो जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, उसको ट्राई करने के लिए आप समझते भी रहना कि मुझे भी ऐसे लगाना है। लगाना जब तक आप लगाओगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आपको इफेक्ट देगा नहीं देगा। होममेड DIY चीजें जो होती है वो असर देती है। मैं अपने हर DIY वीडियोज में बताती हूँ, थोड़ा सा लेट असर करती है पर असर जरूर करती है। तो आप ट्राई करना, ट्राई करके जैसा भी आपको लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार में रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको लगाना पड़ेगा बार बार, तभी रिजल्ट अच्छा दिखेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।